दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी वायरस को शरीर ने खुद ही खत्म कर दिया हो। पहली बार HIV बिना किसी इलाज के ठीक हो गया। जी हाँ दोस्तों, यह इंसानी शरीर के इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता से पूरी तरह खत्म हुआ है। ऐसे में दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिक हैरान है, क्योंकि HIV एक लाइलाज बीमारी है। जिसे भी ये होता है उसे जिंदगी भर दवाइयों के सहारे जीना पड़ता है। ऐसे में आज HIV का अपने आप ठीक हो जाना हैरान करने वाली बात है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप हैं क्वेरा फिलिक्स वर्ल्ड और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कैसे हुआ ये चमत्कार और आगे क्या है संभावनाएं। बता दें कि इससे पहले दो बार ऐसा हुआ है कि लोगों के शरीर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके शरीर में किसी छवि वायरस को बेहद तेजी से कम किया गया हो और यह वायरस लौट कर नहीं आया। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब इम्यून सिस्टम ने अपने आप HIV से लड़कर उसे खत्म कर दिया। इस मामले के सामने आने के बाद डॉक्टरों ने शरीर में मौजूद 150 करोड़ कोशिकाओं की जांच की। जो मरीज ठीक हुआ था उसे EC2 नाम दिया गया था। इसे लेकर 26 अगस्त को साइंस मैगजीन नेचर ने एक रिपोर्ट जारी कर लिखा था, इस मरीज के शरीर में HIV के सक्रिय वायरस नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि वो HIV से संक्रमित हुआ और खुद बखुद ठीक हो गया। इसके अलावा दूसरे आदमी की भी जांच की गई, जिसका नाम EC1 रखा गया था। इसके शरीर की 100 करोड़ कोशिकाओं की जांच की गई, जिसमें डॉक्टरों को सिर्फ एक सक्रिय वायरस मिला, लेकिन वह भी जेनेटिकली निष्क्रिय था। यानी इन दोनों इंसानों के शरीर का जेनेटिक ऐसा है जिसकी वजह से यह दोनों HIV की सक्रियता को खत्म कर देने में सक्षम रहे। इस जांच के बाद वैज्ञानिकों ने इन दोनों को एलीट कंट्रोलर का नाम दिया है, जिसका मतलब होता है कि वह लोग जिनके शरीर में HIV है लेकिन पूरी तरह निष्क्रिय या फिर इतनी कम मात्रा में है जिसे किसी भी दवा के बगैर ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, दुनिया के करीब 3.5 करोड़ लोग HIV से संक्रमित हैं, जिसमें से 99.50% ऐसे मरीज हैं जिन्हें हर रोज एंटी रेट्रोवायरल दवा यानी HIV की दवा लेनी ही पड़ती है। उन्होंने बताया कि बिना दवा किसी बीमारी पर नियंत्रण लगभग असंभव है। दोस्तों, आपको बता दें कि साइंटिस्ट ने अभी तक किसी भी एलीट कंट्रोलर के इम्यून सिस्टम और HIV के बीच होने वाले संघर्ष को रिकॉर्ड नहीं किया है। अभी किसी ने भी इंसानी शरीर की प्रतिरोधक प्रणाली के HIV पर होने वाले पहले हमले पर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए जब तक कोई एलीट कंट्रोलर घोषित किया जाता है तब तक वह HIV से निजात पा चुका होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस अध्ययन के दौरान साइंटिस्ट ने 64 एलीट कंट्रोलर के शरीर पर HIV संक्रमण का अध्ययन किया, जिसमें से 41 लोग ऐसे थे जो एंटी रेट्रोवायरल्स दवा ले रहे थे, लेकिन मरीज EC2 ने कोई दवा नहीं ली और उसके शरीर से HIV पूरी तरह समाप्त हो गया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल कर दें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।